हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल का, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का रिटन पेपर कैसा आता है और उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी संभावना आने की ज़्यादा रहती है। तो आज हम लोग BA थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल का रिटन पेपर आज हम समझेंगे कि ये पेपर कैसा होता है और कैसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप ये देखेंगे कि ये एक रिटन पेपर है जो कि प्रैक्टिकल में स्टूडेंट को दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है BA थर्ड ईयर क्लास का पेपर है, प्रायोगिक भूगोल परीक्षा है। इसका जो टोटल है या पूर्णांक है वो 24 का है और इसकी जो समय अवधि है वो 2 घंटे है, यानी कि 2 घंटे में आपको रिटन पेपर पूरा करना होता है। तो ये 24 अंक का है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि राजस्थान में अधिकांश यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं उनका टोटल 50 का होता है BA में भूगोल के प्रैक्टिकल का, इसलिए उस 50 में से 24 अंक जो होते हैं वो रिटन पेपर के लिए होते हैं, यानी कि हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं 8-8 नंबर के, इसलिए 24 अंक का इसका रिटन पेपर होता है। बाकी के जो 26 नंबर बचते हैं उसमें फील्ड सर्वे, उसमें आपकी फाइल का रिकॉर्ड और इंटरव्यू, तीनों के टोटल करके 26 अंक रहते हैं और 24 अंक हमारे रिटन पेपर के होते हैं। इस प्रकार से 50 का टोटल होता है। जबकि हमारे भारत में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर रिटन जो पेपर है या टोटल जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का ना होकर के 30 नंबर का होता है। तो कई ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर टोटल 30 रहता है प्रैक्टिकल का, वहाँ पर जो रिटन पेपर है वो 24 की बजाय या तो 12 नंबर का होगा या 15 नंबर का होता है। यदि 12 नंबर का होता है, हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 अंक का रहता है, और यदि वहाँ पर 15 नंबर का टोटल है रिटन पेपर का तो 5-5 के हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो रिटन पेपर होता है BA थर्ड ईयर का किस पैटर्न पर आता है और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन पेपर है जहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें इस पे ऊपर लिखा रहता है नोट में कि निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए, प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है, यानी कि कुल प्रश्न 5 आपको दिए जाएंगे जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं लेकिन पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है, कोई भी 3 प्रश्न हल कीजिए, सभी के अंक समान हैं। तो अधिकांश जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनमें पहला प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है वो प्रक्षेप का है, प्रोजेक्शन का है। तो पहला प्रश्न है 1:30 करोड़ मापनी पर तथा 30 डिग्री अंतराल पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार सम क्षेत्र की रचना कीजिए, यानी कि हमें एक बेलनाकार सम क्षेत्र प्रक्षेप बनाना है जिसका RF 1:30 करोड़ दिया गया है और इस प्रक्षेप में हमें जो अंतराल है वो 30 डिग्री रखना है। तो सम क्षेत्र प्रक्षेप एक होता है, सम दूरस्थ प्रक्षेप, दोनों ही प्रक्षेप इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप लोग, यदि आपने प्रक्षेप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, एक बेलनाकार प्रक्षेप होता है, एक शंक्वाकार होता है और एक होता है खमद्य प्रक्षेप। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है वो बेलनाकार में से है और बेलनाकार में से भी वो कह रहा है सम क्षेत्र प्रक्षेप को बनाइए। इसमें सम दूरस्थ भी हो सकता है लेकिन वो यहाँ आपसे सम क्षेत्र प्रक्षेप के बारे में पूछ रहा है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप, यदि आप ये अथवा वाला क्वेश्चन आता आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 10 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 70 पश्चिम से 70 पूर्व देशांतर के मध्य से क्षेत्र का 10 डिग्री अंतराल तथा 1:12,50,00,000 मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए 2 मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए, प्रक्षेप में 40 तथा 60 मानक अक्षांश मानिए। यानी कि ये शंक्वाकार प्रक्षेप का क्वेश्चन दिया गया है और शंक्वाकार प्रक्षेप में 2 इम्पोर्टेंट होते हैं जिनकी आने की संभावना ज़्यादा होती है। एक तो 1 मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, एक 2 मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप होता है। तो यहाँ प्रश्न में आप देखेंगे कि 2 मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप दिया गया है और वो कह रहा है कि 40 और 60 को मानक अक्षांश मानिए।
तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये शंक्वा का प्रक्षेप का क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया गया वो बेलना का प्रक्षेप का क्वेश्चन है, तो ये दोनों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं आने की। हालांकि खमध्य का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। इसी में आप देखेंगे तो अगला प्रश्न संख्या दो है कि निम्नलिखित आंकड़ों को घनारेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यदि आपके सिलेबस में त्रिबिंबीय आरेख दिया गया है या थ्री डायमेंशनल डायग्राम दिया गया है तो उसमें आपने तीन चीज पढ़ी होंगी, एक तो घनारेख, एक आपने पढ़ा होगा गोलाब और एक पढ़ा होगा पाइल। तो हमें क्यूब, स्पेरिकल और जो पाइल होता है उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर घनारेख का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें खनिज दिए गए हैं कोयला, लोहा के बॉक्साइड, ताम्रस्क, सीसा, जस्ता और मैग्नीज। और संचित भंडार में आप देखेंगे तो ये इसकी इसका जो टन में जो संचित भंडार है वो यहाँ कह रहा है 8,200, 2,375, 320, 40, 25, 10 इस प्रकार से दिया गया है। तो हमें ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन सब के आंसर आपको जीपी शर्मा की जो बुक आती है प्रैक्टिकल की, काफ़ी फेमस बुक है, आप उसमें देख सकते हैं, या और भी कई सारे राइटरों की अच्छी किताबें आती हैं, आप उसमें भी इनका आंसर देख सकते हैं। यदि आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में प्रक्षेप आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्रक्षेप मापनी के नाम से प्लेलिस्ट दी गई है, और बाकी जो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसी में अगला दिया गया है भारतीय क्लाइनोमीटर के अंगों का वर्णन करते हुए इसकी प्रयोग विधि को लिखिए। यदि आपके सिलेबस में इंडियन क्लाइनोमीटर दिया गया है तो इसके कोई भी एक प्रश्न इसमें से बन सकता है कि भारतीय जो क्लाइनोमीटर होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, उनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। तो इंडियन क्लाइनोमीटर आप जानते होंगे कि इंडियन क्लाइनोमीटर का जो प्रयोग है वो हाइट निकालने के लिए या फिर हम किसी भी गहराई को निकालने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। इंडियन क्लाइनोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें, चाहे वो आप लोगों का दृष्टि फलक हो, वस्तु फलक हो, उसमें सभी पार्टों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। उसकी प्रयोग विधि क्या होती है, हम कैसे उसको प्रयोग में फील्ड में ले जाते हैं, कौन कौन सी विधियों से हम लोग उस सर्वे कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि संपटल सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरणों को समझाते हुए इसकी सर्वेक्षण विधियों को लिखिए। संपटल सर्वेक्षण यानी कि प्लेन टेबल सर्वे, जो प्लेन टेबल जो सर्वे होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं और कौन कौन सी विधियां या मेथड रहते हैं फील्ड में सर्वे करने के, उसके बारे में हमें लिखना है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्रयोग करते हैं, आप जानते होंगे कि हम टेबल का वहाँ प्रयोग करते हैं, स्टैंड का करते हैं, एलिडेड होता है, ट्रफ कंपास होता है, वहाँ पे साहुल चिमटा होता है, वहाँ पे रेंजिंग रॉड होती है, एरो होती है, इन सारे इंस्ट्रूमेंटों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। और वो कह रहा है कि सर्वेक्षण की विधियाँ, सर्वेक्षण विधियाँ आप जानते होंगे कि प्रिंट टेबल की वहाँ पर इंटरसेक्शन मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है, रिसेक्शन मेथड होता है, कई सारे मेथड होते हैं, रेडियल मेथड होता है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें यहाँ पे लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में यहाँ चार दी गई हैं, एक दिश नौपथ के बारे में, त्रिबिंबीय आरेख के बारे में, पश्चिम दिक्मान के बारे में और ट्रफ कंपास के बारे में। एक दिश नौपथ के बारे में हम लोग लिख सकते हैं इसमें से, तो जब आप प्रक्षेपों को पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। त्रिबिंबीय आरेख क्या होते हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें त्रिबिंबीय आरेख में घनारेख आता है, गोलाब आता है, पायल आता है। एक इसी में दिया गया है पश्च दिक्मान, पश्च दिक्मान और अग्र दिक्मान दो होते हैं, अग्र में से होता है आगे की ओर देखना और पश्चिम पीछे की ओर देखना। तो जब हम स्टेशन बी से और वापस ए की तरफ देखते हैं तो उसको पश्च दिक्मान कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है कि क्या प्रक्रिया रहती है और कैसे हम लोग उसको देखते हैं। ट्रफ कंपास के बारे में हम लोग सचित्र वर्णन कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ट्रफ कंपास की जो मैग्नेट होती है वो कैसे नॉर्थ की तरफ जाती है, वो मैग्नेट जो चुंबकीय सुई रहती है वो किस पत्थर एगेट पत्थर पर टिकी रहती है, उसका जो खोल है वो किस धातु का बना रहता है। तो इस प्रकार से हम इसका भी वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है हमारा प्रायोगिक भूगोल का रिटर्न पेपर, बीए थर्ड ईयर का है और ये एक गैसीय पेपर है, या आप कह सकते हैं कि इसके आने की संभावित पेपर है, इसके आने की संभावना ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बेस पर ही अपने रिटर्न पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक नया पेपर पढ़ेंगे। थैंक यू।